स्वागत है, मैं आपके साथ हरि पांडे। मुठभेड़ में 3 अपराधी हुए घायल, घायलों को लाया गया सरकारी अस्पताल जिला उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली जनपद उन्नाव से आ रही है बड़ी खबर। उन्नाव गंगाघाट जाजमऊ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने किया सराहनीय कार्य। 1 साल से नेशनल हाईवे रोड पर डीजल चोरी, ट्रक मालिक व ड्राइवर से परेशान, कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ड्राइवर व मालिक बच जाते हैं बार बार। इनको कई जगह दौड़ाया गया। यहाँ जब ये त्रिभुवनखेड़ा में पहुंचे और इन्होंने अपने आप को घिरता देखा तो इन्होंने हमारी टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में इसमें से 3 लोग जो इस इनोवा गाड़ी में थे, उन 3 को गोली लगी है। 1 के 2 गोलियां लगी हैं और उनको तत्काल घायल अवस्था में अस्पताल भिजवा दिया गया है। जाजमऊ के त्रिभुवनखेड़ा पेट्रोल पंप के पास डीजल चोरी व लूट करने वाले बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। उन्नाव की SOG टीम द्वारा मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी व 1 की कमर में गोली लगने से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हाई रिस्क लेकर की गई यह कार्यवाही। स्वागत जिंदगी से हरि पांडे की खास रिपोर्ट। गाड़ी में गाड़ी की अभी जांच की गई तो ये देखा गया इससे अवैध असले बरामद हुए हैं। इसमें लगभग 8 जरीकेन जो तेल है वो बरामद हुआ है, जो कि सब लूटा हुआ लग रहा है। और इसमें और भी कार्रवाई की जा रही है, ये भी पूछताछ की जा रही है कि ये तेल आखिर गैंग कहाँ तक जाता है और कैसे इसमें आगे कार्रवाई की जानी है, वो सारी कार्रवाई इसमें की जाएगी। धन्यवाद।